Masha'Allah. नमस्ते दोस्तों, आई के स्टडीज सीरीज पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमएस एक्सेल में होम मेन्यू कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में एमएस एक्सेल ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ब्लैंक वर्कबुक ओपन करें। अब सबसे पहले कोई डाटा टाइप कर ले जैसे हमने टाइप किया है। उसके बाद टेबल सेलेक्ट कर ले और सबसे पहला ऑप्शन चेक कीजिए, यह कट ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो डाटा कट हो जाएगा और जहां पर भी कर्सर रखेंगे और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो टेबल वही पेस्ट हो जाएगा। अगर आप कोई टेबल सेलेक्ट कर कॉपी पर क्लिक करेंगे तो वह टेबल कॉपी हो जाएगा और जहां पर भी कर्सर रखेंगे और वहां पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो टेबल वहां पर पेस्ट हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कट करने पर डाटा अपनी जगह से हट जाता है और कहीं और पेस्ट हो जाता है, परंतु कॉपी करने पर वो डाटा दोनों जगह रहता है। आप इन सभी कार्यों को शॉर्टकट कीज द्वारा भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स इज इक्वल टू कट, कंट्रोल प्लस सी इज इक्वल टू कॉपी एंड कंट्रोल प्लस वी इज इक्वल टू पेस्ट। उसके बाद ऑप्शन आता है फॉर्मेट प्रिंटर, इसको हम बाद में चेक करेंगे। उसके बाद आप इनके फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो सा भी फॉन्ट आप सेलेक्ट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद कुछ शब्द सेलेक्ट करें और अगर आप इनका साइज बड़ा करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है बोल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट कर, बी ऑप्शन पर क्लिक कर दे, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप आई पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा और अगर आप यू पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। इन सब की भी शॉर्टकट कीज है। कंट्रोल प्लस बी इज इक्वल टू बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई इज इक्वल टू इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू इज इक्वल टू अंडरलाइन। और उसके बाद बॉर्डर लगाने का ऑप्शन आता है। यह ऑप्शन टेबल में बॉर्डर लगाने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम भिन्न भिन्न तरह से बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे बॉटम, टॉप, लेफ्ट या राइट में, और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद फील कलर का ऑप्शन आता है, इससे आप सेल को कोई भी कलर कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है फॉन्ट कलर, इस ऑप्शन द्वारा आप फॉन्ट्स का कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम वो ऑप्शन चेक करते हैं जो हमने पहले छोड़ दिया था, फॉर्मेट प्रिंटर। इस ऑप्शन द्वारा आप पहले से फॉर्मेट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं और दूसरे सामान्य टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट से जुड़े ऑप्शन है। सबसे पहले यह ऑप्शन जो नीचे की तरफ से शुरू हो रहे हैं वो अलाइनमेंट के है कि आपको टेक्स्ट किस तरफ रखना है, बाहिने तरफ यानी लेफ्ट में, बीच में यानी सेंटर में, या फिर दाहिने तरफ यानी राइट में, बॉटम में यानी नीचे में, मिडिल में यानी बिल्कुल बीच में, या फिर टॉप में यानी एकदम ऊपर में। उसके बाद ऑप्शन आता है इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट का। इस ऑप्शन द्वारा आप टेक्स्ट को मार्जिन से लेफ्ट या राइट की तरफ प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है टेक्स्ट ओरिएंटेशन का। इस ऑप्शन द्वारा आप टेक्स्ट को क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज या वर्टिकल या अप और डाउन में टेक्स्ट को लिख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट का। इस ऑप्शन द्वारा आप किसी वाक्य को उसी सेल में दो लाइनों में लिख सकते हैं। अगर आप यह नहीं करेंगे और दूसरे सेल में कुछ टाइप करेंगे तो वो लाइन दिखाई नहीं देगी। या आप आगे लिखे सभी सेल को एक साथ मर्ज यानी जोड़ सकते हैं। उसके बाद नंबर्स से जुड़े ऑप्शन है। एग्जांपल के लिए कुछ नंबर्स लिख लेते हैं।
अब आप इन सभी नंबर्स को सेलेक्ट कर चेंज कर सकते हैं, जैसे जनरल में, नंबर्स में, करेंसी में, अकाउंटिंग में, तारीख में, परसेंटेज में या फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। आप नीचे दिए शॉर्टकट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। इस ऑप्शन द्वारा आप डेसिमल बढ़ा या घटा सकते हैं। उसके बाद स्टाइल से जुड़े ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कोई भी कंडीशन सेट करके फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन में आप कोई भी संख्या जैसे 90 डाल सकते हैं और आप देखेंगे जो भी संख्या 90 से बड़ी है वो पिंक हो गई है। उसी तरह आप लेस देन के साथ कर सकते हैं। उसके बाद टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार, कलर स्केल्स और आइकॉन सेट्स द्वारा आप अपनी एक्सेल शीट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। उसके बाद टेबल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। इससे आप टेबल को और अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है सेल स्टाइल का। इससे आप कोई भी पर्टिकुलर सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद सेल से जुड़े ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंसर्ट सेल। आप इस ऑप्शन द्वारा रो या कॉलम में सेल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन द्वारा आप कोई भी रो या कॉलम के सेल सेलेक्ट कर डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन द्वारा आप सेल की हाइट, विड्थ यानी लंबाई, चौड़ाई बढ़ा या घटा सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिससे हम किसी खास टॉपिक में आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एडिटिंग से जुड़े ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑटोसम का। इससे हम नंबर सेलेक्ट कर आपस में जोड़ सकते हैं। आप कैसे भी संख्या बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या एक बारी में जोड़ सकते हैं। उसके बाद क्लियर ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन द्वारा आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स एंड क्लियर हाइपरलिंक्स। उसके बाद ऑप्शन आता है सॉर्ट एंड फिल्टर का, यानी किसी भी टेक्स्ट को, नंबर को या डेट को उसके बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने को ही सॉर्ट कहते हैं। जैसे हमने कोई रैंडम, मतलब ऐसे ही कोई नंबर्स की लिस्ट बनाई है और हम चाहते हैं कि वो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा में ऑर्डर में हो जाए, तो हम सॉर्ट ऑप्शन यूज करेंगे। और ऑप्शन सेलेक्ट करते ही लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन द्वारा आप कुछ अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन द्वारा यह काम आसानी से कर सकते हैं। अब आप थोड़ी प्रैक्टिस करें जिससे आपको होम मेन्यू के ऑप्शन याद हो जाएंगे। अगर आपको MS Excel से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल की MS Excel प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें IK Studies चैनल को। आपका अपना चैनल हिंदी में।